थ्री लेटर लॉजिक सीरीज का सेकंड प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि क्या सीक्वेंस चाहिए है। सो व्हाट यू कैन सी हियर कि ये एप्लीकेशन है एक बॉटल फिलिंग एप्लीकेशन, जिसमें एक मोटर है जो कि कन्वेयर मोटर है। सो द स्टार्ट पॉइंट इज कि हमने जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया, मोटर शुड स्टार्ट। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, एक एक बॉटल अपने पॉइंट पे आएगी जहाँ पे उसका फिलिंग होना है। सो सिस्टम को कैसे पता चलेगा बॉटल आ गई? वहाँ पर एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है, तो ये जो लिमिट स्विच है ये इसको सेंस करेगा बॉटल को। तो जैसे ही बॉटल आती है यहाँ पे, वो लिमिट स्विच सेंस करेगा और मोटर को स्टॉप करेगा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस क्या है? स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट से मोटर ऑन होगी, मोटर ऑन होने के बाद बॉटल आएगी, बॉटल जैसे ही यहाँ पे आती है ये लिमिट स्विच उसको सेंस करेगा, सेंस करता है तो वो मोटर को बंद कर देगा, तो वो बॉटल यहीं पे रहेगी, इसके आगे नहीं जाएगी। जैसे ही ये बॉटल अपनी पोजीशन पे आती है, उसके बाद में हमको करना है क्या? हमको आउटलेट वॉल ओपन करना है, जिसमें से ये लिक्विड फ्लो होके बॉटल फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे ही बॉटल फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसका लेवल बढ़ते जाओ और एक पोजीशन ऐसा आएगा कि ये बॉटल फिल हो जाएगी और इसका लेवल अप हो जाएगा। इसका लेवल सेंस करने के लिए हमारे पास एक फोटो सेंसर है जो कि बॉटल का लेवल सेंस करेगा, और जैसे ही बॉटल का लेवल हाई लेवल पे आ जाएगा, ये फोटो सेंसर एनर्जाइज हो जाएगा। ये जैसे एनर्जाइज होता है, हमको हमारा आउटलेट वॉल बंद करना है। ठीक है, सो लिमिट स्विच दो काम कर रही है, एक मोटर को बंद कर रही है, दूसरा आउटलेट वॉल को ऑन कर रही है। उसके बाद फोटो सेंसर आउटलेट वॉल को ऑफ कर रहा है और मोटर को फिर से चालू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको ये बॉटल फिल होने के बाद इसको आगे ले जाना है और दूसरी बॉटल को फिर से यहाँ पे वापस लाना है। ठीक है, सो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट कि जैसे ही ये फोटो सेंसर सेंस कर लेगा कि बॉटल भर गई है, इसको दो काम करना है, एक तो आउटलेट वॉल बंद करना है, दूसरा इस बॉटल को यहाँ से आगे पास करना है, सो दैट हमारी नेक्स्ट बॉटल फिर से फिलिंग के लिए आ सके। तो ये एक सेक्शन हो गया जहाँ पे हमको इसका बॉटल फिलिंग कंट्रोल करना है। अब बॉटल फिलिंग कंट्रोल का एक पार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे है एक टैंक जिसमें हमेशा हमको लेवल को मेंटेन रखना है। मतलब यहाँ पे एक दो लेवल स्विचेस है, एक L1 है एक L2, तो अपर लेवल लोअर लेवल, हमेशा हमको लोअर लेवल तक के लिक्विड को मेंटेन रखना है, उसके नीचे ले जाना नहीं है। तो ये करने के लिए देयर इज वन कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, हमेशा ये पोजीशंस को सेंस करता रहेगा, और जैसे ये L2 के नीचे जाएगा, जैसे ये कंट्रोल वॉल को ओपन कर देगा और ये टैंक भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट लेवल कंट्रोल सर्किट है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटल फिलिंग है। हम उनको एक लैडर लिखना है जिसमें ये दोनों को हमको लॉजिक के थ्रू अचीव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट कितना है, अभी ये तो आपको समझ गया होगा। मैंने यहाँ पे लेबल किया है, क्योंकि वो डायग्राम में लेबल नहीं था, मैंने लेबल किया है इसको हाई लेवल इज L1, लो लेवल इज L2। इसको मैंने नाम दिया है V1, सोलेनोइड वॉल V1। जो आउटलेट वॉल है जो बॉटल फिलिंग करेगा, उसको मैंने नाम दिया है V2। फोटो सेंसर को S1 नाम दिया है, और जो पोजीशन सेंस करेगा उसको S2 नाम दिया है। मोटर विल बी रिकॉग्नाइज एज M। ठीक है, ये एक डायग्राम आपके लिए है, हमको रेफर करना है जिसको। हमेशा जब भी आप कोई भी लैडर चालू करें, उसमें हमको स्टार्ट स्टॉप देना है। ये फर्स्ट स्टेप कॉमन रहेगी हर प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हम लोग एक NO स्विच लेंगे, एक NC स्विच लेंगे और एक रिले लेंगे। दिस इज इंटरनल रिले, जैसे कि आपको बताया है, ये खाली इंटरनल रिले है, कोई भी फिजिकल डिवाइस इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल रिले। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पुश करता हूँ, ये NO का NC बन जाएगा, ये ऑलरेडी NC में है, तो ये कनेक्शन पास होके K1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही K1 ऑन होगा, मेरा ये जो लैचिंग है K1 का, ये ऑन हो जाएगा और मेरा K1 इज कंटिन्यूसली ऑन। मैं अगर स्टार्ट बटन छोड़ भी देता हूँ तो भी मेरा K1 ऑन है। ये मेरा पावर सर्किट है, तो ये सबसे पहले ऑन होगा, सिग्नल चालू करेगा K1। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरी मोटर ऑन होना चाहिए।
सो के वन इज ऑन नाउ, सो के वन ऑन है तो मेरी मोटर ऑन होना चाहिए. सो मैंने के वन यहाँ पे लिखा इनपुट में, मोटर को लिख दिया आउटपुट में. अब मुझे देखना है कि मोटर को स्टॉप कब करना है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जैसे ही मेरा यहाँ पे बॉटल आ जाएगी मुझे इस मोटर को स्टॉप करना है. तो दिस इसके लिए जब भी हमको कुछ स्टॉप करना रहता है हम यूज करते हैं एनसी स्विच. ओके, सो जब भी स्टॉप करना है तो हम लोग एनसी स्विच करेंगे. तो वर्किंग कैसे है, स्टार्ट बटन दबाया हमने, के वन आ गया, के वन आ गया तो मोटर ऑन हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये एनसी में है. एनसी में है मतलब के वन ऑन, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड. ये मूव हो गया, करंट मोटर तक के पहुंच गया, मोटर स्टार्ट हो गई है. मोटर स्टार्ट तब तक रहेगी जब तक के कोई बॉटल या S2 पे नहीं आ जाती और S2 एनर्जाइज नहीं होता. अब जैसे लास्ट एप्लीकेशन में भी हमने देखा था कि अगर ये NC में है, तो अगर ये NC में है तो डी एनर्जाइज जब रहेगा तो ये कनेक्शन ऑन रहेगा, ठीक है. बट जब वो कुछ सेंस करेगा मतलब एनर्जाइज होगा, अगर S2 एनर्जाइज होता है तो ये NC का क्या बन जाएगा, अपोजिट NO. यस, ये जैसे ही S2 यहाँ पे बॉटल सेंस करता है ये एनर्जाइज हो गया. अगर ये एनर्जाइज होता है ये सेंसर अपना सिग्नल देगा, अगर ये इसने अपना सिग्नल दिया तो ये S2 का बन जाएगा NO स्विच और यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं होगा और आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. तो आप अब ये देखोगे कि यहाँ पे K1 आ गया है तो मोटर ऑन हो गई, उसके बाद में जब भी बॉटल इसके सामने आती है तो S2 NO बन जाएगा और मेरा मोटर स्टॉप हो जाएगा. नाउ अब करना क्या है कि मोटर तो स्टॉप हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्या आप लिखो, हम S1 ये जो पैरेलल सर्किट है इसके ऊपर बाद में आते हैं. हमको करना क्या है, K1 ऑन करके मोटर ऑन किया, सो एक कंप्लीट हो गया. सो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि मोटर कंट्रोल और कन्वेयर कंट्रोल, तो ये दो लाइन में हम लोगों ने मोटर को कंट्रोल किया. अब हमारा पर्पस क्या है, जैसे ये बॉटल आती है, ये बॉटल आ गई हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि S2 एनर्जाइज होगा. सो S2 एनर्जाइज होगा तो दो ऑपरेशंस होंगे उससे, एक मोटर स्टॉप होगा. सो यहाँ पे NC लगा के हमने मोटर स्टॉप किया. अब S2 से हमको V2 को ऑन करना है, सो हम लोग S2 को कैसे यूज करेंगे, NO में. ओके, सो S2 को हमने NO में यूज किया, NO के बाद में हमने उसको कनेक्ट किया V2 से. इनपुट आउटपुट का रिलेशन देखो, यहाँ पे S2 से दो चीजें होना चाहिए, एक तो मोटर बंद होना चाहिए, दूसरा V2 ऑन होना चाहिए. तो S2 से मोटर बंद हुआ और S2 से V2, V2 को मैं बोल रहा हूँ फील, मतलब फीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ V2 का, ठीक है. ये मैंने देखो कि यहाँ पे S1 दिया हुआ है, S1 NC में है, ये कब बंद करना है हमको, V2 जब हमारा लेवल S1 तक के पहुंच जाएगा, अदरवाइज ये ओवरफ्लो हो सकती है बॉटल, ठीक है. सो हमारा ऑपरेशन क्या है, S2 आएगा, S2 आने के बाद V2 आना चाहिए. V2 कब बंद होना चाहिए, जब भी S1 आएगा. S1 कब आएगा, जब ये बॉटल पूरा फिल हो जाएगा और S1 सेंसर एनर्जाइज होगा. जैसे ही S1 सेंसर एनर्जाइज हुआ वैसे ये NO बन जाएगा और NO अपना करंट पास होने नहीं देगा और ये हमारा V2 बंद हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको और एक चीज दिख रही है, दैट इज L2. ये L2 यहाँ पे क्या कर रहा है ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, कि ये एक चेक पॉइंट है. इंडस्ट्रियल सर्किट आप जब भी बनाओगे वो एक पर्टिकुलर सेफ्टी के साथ भी चलना चाहिए. सो जब प्रॉब्लम में बोला है कि वो L2 लेवल के नीचे नहीं जाना है, हमको टैंक लेवल मेंटेन करना है, सो व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे S2 आया मतलब बॉटल आई, बॉटल आने के बाद में बॉटल फिलिंग चालू हुआ, ये NC में तो यहाँ तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. L2 लेवल हमेशा ऑन रहेगा, मतलब ये जो NO में हमने कनेक्ट किया है L2, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड है, ये सेंस कर रहा है, ये एनर्जाइज है. एनर्जाइज है मतलब ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है. सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो V2 को ऑन निकली, एक ही कंडीशन बचती है, क्या कंडीशन बचती है, कि मेरा S2 एनर्जाइज होना चाहिए, क्योंकि ये S1 है मतलब ये ऑलरेडी NC में है तो ये तो कनेक्टेड है. L2 मतलब पानी का लेवल या फिर लिक्विड का लेवल ऑलरेडी L2 पे है, सो ये भी कनेक्टेड है.
अब ये ऑन है ये ऑन है, सो सिर्फ हमको एक कंडीशन है वी टू ऑन करने के लिए, दैट इज एस टू, ठीक है। सो जैसे ही ये एस टू ऑन होता है ये सर्किट थ्रू हो जाएगा और फीलिंग हमारा शुरू हो जाएगा। ओके ये पता चला है हमने कैसे किया, ठीक है। उसके बाद हमको वी टू को बंद कब करना है, जब वो उसका लेवल बढ़ जाएगा एस वन तक के। सो जैसे ही हमने एस टू को ऑन किया फीलिंग चालू हुआ, फीलिंग करते करते जैसे ही हम लोग एस वन एनर्जाइज करते हैं, एस वन एनर्जाइज करना मतलब ये एनसी का क्या बन जाएगा, एनओ। सो जैसे ही ये एनसी का एनओ बन जाएगा तो यहाँ पे ये जो है एल टू इसका कनेक्शन रुक जाएगा और हमारा वी टू बंद हो जाएगा, ठीक। सो लॉजिक इज एस टू आया, एस टू आया, एल टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, एस वन एनसी में है, तो ये वी टू शुरू हो गया, बॉटल फील हो गया, बॉटल फील होते होते लेवल आ गया एस वन, तो ये एनओ बन गया, ये कनेक्शन कट गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जैसे ही एस वन ने बॉटल फील कर दी, ऐसा सेंस किया, इसके बाद हमको फिर से मोटर शुरू करना है और बॉटल को आगे ले जाना है। एक चीज याद रखो कि एस टू जब तक के यहाँ पे बॉटल है तब तक के मोटर ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये पाथ में एस टू को एन डाला हुआ है जो कि अभी एनओ बन गया है, तो अभी मोटर ऑन नहीं होगी। सो मैंने क्या किया है, इसे एक पैरेलल सर्किट दे दिया है बिकॉज के वन इज ऑन। अब मुझे सिर्फ इसको एस टू को बाईपास करना है इस स्टेप में और मुझे मोटर ऑन करना है, तो उसके लिए मैंने चुना एस वन, क्योंकि एस वन के बाद में मुझे मोटर कब स्टार्ट करना है, जब एस वन आ जाएगा। सो आपको चाहिए तो आप एक एक्स्ट्रा लॉजिक भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, लैच कर सकते हैं एस वन से। सो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे बॉटल जैसे फील हो जाएगी, ये सेंसर ऑन हो जाएगा, सेंसर ऑन होगा तो ये जो करंट है ये इस तरीके स्लो होके यहाँ से मोटर को ऑन करेगा, ठीक है। सो एस वन से दो चीजें होगी, एक तो वी टू बंद हो जाएगा, दूसरा आपका मोटर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मोटर शुरू होता है, अंडरस्टैंड करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मोटर शुरू होती है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, आपकी बॉटल यहाँ से मूव होना शुरू कर देगी। जैसे ये बॉटल मूव करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका एस वन जो पहले लेवल सेंस कर रहा था, ये जो पैरेलल सर्किट था, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एस टू के सामने से भी ये जो बॉटल है वो हट जाएगी और एस टू भी फिर से हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। सो जैसे एस टू डी एनर्जाइज हो जाएगा, यहाँ से उसको अपना ओरिजिनल पाथ मिल जाएगा और वो मोटर कंटिन्यूअसली ऑन रहेगी। कब तक ऑन रहेगी, जब तक फिर से कोई बॉटल सामने नहीं आ जाती। सो दिस इज व्हाट अ मोटर कंट्रोल। तो आप लोग इसको एक बार ठीक से समझ ले, यू कैन इजीली अप्लाई टू एनी मोटर कंट्रोल, ठीक है, जहाँ पे ये ऐसा कन्वेयर का सिचुएशन है। सो ये स्टार्ट स्टॉप हमेशा याद रखो कि ये ऐसा ही बनाना है हमको, ये बनाने के बाद दिस इज मोटर कंट्रोल। ओके सो ये समझ गया होगा आई होप, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉटल फिलिंग का प्रोसेस, तो ये दो लाइन में हमारा बॉटल फिलिंग प्रोसेस को हमने कंट्रोल किया, वन टू एंड थ्री, मतलब दिस इज दिस, ये तो के वन है, सो ओनली आउटपुट वी आर कंट्रोलिंग इज वन, दैट इज मोटर। और यहाँ पे हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं, सोलेनोइड बॉटल फिलिंग के लिए, ठीक है। तो ये दो तीन रंग्स में हमने मोटर कंट्रोल भी किया और बॉटल फिलिंग भी अचीव कर लिया। अब सिर्फ बचा हमारे पास ये लेवल कंट्रोल। तो एक चीज हमें याद रखो, जब भी लेवल कंट्रोल देखो, यहाँ पे लो लेवल हाई लेवल, ये आंखें बंद करके ये दो एनसी स्विच लगाओ और एक रिले डालो, रिले से उसको लैच करके सीधा उसके वॉल को कनेक्ट करो। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है आपका किसी भी टैंक वॉल लेवल या फिर लिक्विड लेवल को मेंटेन करने के लिए। बट द कंडीशन इज दैट इसमें सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, दैट इज ये स्टार्टिंग जो भी आपका स्विच है वो लोअर लेवल होना चाहिए जो हमको मेंटेन करना है, और जो नेक्स्ट एनसी स्विच है वो लेवल होना चाहिए जिस पे हमको उसको ऑफ करना है, ठीक है। तो अब लॉजिक देखो, हमेशा लेवल कंट्रोल दिखा कि डायरेक्टली लो लेवल हाई लेवल दोनों सी में एक रिले, उसको लैचिंग, और लैचिंग के साथ में वो जो वॉल जहाँ से हम पानी भरेंगे टैंक फिल करेंगे वो वाला कनेक्ट करना है। तो ये दो रंग हमेशा कॉमन रहेंगे जहाँ पर भी टैंक लेवल आएगा। अब ये वर्क कैसे करता हूँ एक्सप्लेन करते हैं।
यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि इसमें एक लॉजिक ऐसा डाला है कि दोनों एनसी में है। कंडीशन क्या है, एनसी में होना मतलब है कि ये जब भी दोनों डीएनर्जाइज होंगे, इम्पोर्टेंट है देखो सुनो, जब भी ये दोनों डीएनर्जाइज होंगे देन ओनली के टू ऑन होगा। ये एंड में है, एंड में होना मतलब ये और ये दोनों जब तक के ऑन नहीं होगा तब तक के टू ऑन नहीं होगा। ये कब होगा, जब हमारे ये दोनों सेंसर डीएनर्जाइज होंगे। ठीक है, सो चलो कंसिडर करते हैं कि पानी भरा हुआ है, हमने बॉटल फिलिंग चालू किया। बॉटल फिलिंग चालू करने के वजह से ये जो L1 सेंसर है इसका लेवल डाउन हो गया और L1 सेंसर डी एनर्जाइज हो गया। ठीक है, वॉटर डाउन हो गया और L1 सेंसर डी एनर्जाइज हो गया। डी एनर्जाइज होने का मतलब है कि ये कनेक्शन ऑन है। डी एनर्जाइज का मतलब है ये कनेक्शन ऑन है। ठीक है, ये कनेक्शन ऑन है और K2 रेडी है स्टार्ट होने के लिए। सिर्फ एक कंडीशन बचा है कि L2 डी एनर्जाइज होने का बाकी है। L2 कब डी एनर्जाइज होगा, जब ये वाटर लेवल इस L2 लेवल से भी नीचे जाएगी। जब वाटर लेवल L2 लेवल से नीचे जाएगी तब ये L2 भी डी एनर्जाइज होगा। डी एनर्जाइज होगा मतलब ये कनेक्शन ऑन होगा और K2 ऑन होगा। एक बार K2 ऑन हो गया तो ये इसको लैच करके हम लोग K2 कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे। क्यों वो भी बताता हूँ, यहाँ देखो। अब प्रेजेंट कंडीशन में देखते हैं कि जब टैंक फिल है L1 तक के, टैंक फिल है L1 पूरा भरा हुआ है, दैट मीन्स दोनों एनर्जाइज है। अगर दोनों एनर्जाइज है इसका मतलब क्या है, हमारा L2 कैसे एक्ट हो रहा है, एनर्जाइज है। सेंसर L2 इज एनर्जाइज मतलब क्या है, NC में कनेक्टेड है तो ये क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एनर्जाइज L2 है मतलब ये NC का क्या बन गया, NO। तो यहाँ से कोई करंट पास हुआ क्या, नहीं। ठीक है, सो एक कंडीशन ये है कि पानी अगर L2 लेवल तक के है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, यहाँ से कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, और सेकंड चीज है L1, L1 अगर पास होता भी है, L1 डी एनर्जाइज होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन NC। तो ये एनर्जाइज नहीं है मतलब ये भी NC में है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, एनर्जाइज नहीं है मतलब ये डी एनर्जाइज है, डी एनर्जाइज है मतलब ये NC ही है। इसके बाद अब देखो L2 जैसे ही लेवल L2 के नीचे जाएगा हमको क्या करना है, हमको V1 को ऑन करना है। ठीक है, सो इसको लैच क्यों किया है, इसका आंसर देता हूँ। हम इसको लैच करते हैं K2 से क्योंकि जैसे ही ये दोनों डी एनर्जाइज होंगे, ये तो ऑलरेडी डी एनर्जाइज है क्योंकि लेवल इसके नीचे है तो ये ऑलरेडी डी एनर्जाइज है। डी एनर्जाइज है मतलब ये कनेक्टेड है। उसके बाद जैसे ही लेवल L2 के नीचे जाएगा ये भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज होगा तो ये भी NC में चालू हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो शुरू होता है K2 ऑन होता है, K2 ऑन होने की वजह से हमारा V1 भी ऑन होता है। अब V1 ऑन हो गया मतलब यहाँ से पानी आना शुरू हो गया, वाटर फिलिंग प्रोसेस चालू हो गई टैंक में। जैसे ही वाटर फिलिंग प्रोसेस चालू होती है और वाटर L2 लेवल पे पहुंचता है तो हमारी जो कंडीशन थी V1 को ऑन रखने की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही V1 ऑन हो गया पानी भरना शुरू हो गया, L2 लेवल रीच हो गया और L2 एनर्जाइज हो गया। L2 एनर्जाइज होना मतलब यहाँ पे NC का NO बनना, ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। L2 जैसे एनर्जाइज हो गया ये NO हो गया, NO हो गया तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे K2 बंद हो जाएगा। बट हमको ये K2 ऑन रखना है जब तक के L1 रीच नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस K2 को लैच कर देंगे यहाँ पे और एक पैरेलल सर्किट चलता रहेगा। तो जैसे ही K2 एक बार ऑन हो गया तो ये ऑन होते रहे, ऑन कंटिन्यूसली रहेगा और L2 के स्टेटस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब L2 एनर्जाइज है नहीं है, उससे K2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि K2 को हमने डायरेक्टली लैच कर दिया।
अब ये K2 से हमने V1 ऑन रखा है, तो V1 ऑन रखने की वजह से हमारा पानी फील हो रहा है, ठीक है। सो एट व्हाट पॉइंट हमको इसको बंद करना है, जब ये L1 लेवल रीच करेगा, ठीक है। सो अज्यूम करो कि हमने V1 को ऑन किया, V1 ऑन किया, फिलिंग चालू है, फिलिंग चालू होने की वजह से ये L1 लेवल रीच हो गया। जैसे ही ये L1 लेवल रीच होता है तो ये जो L1 है वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज L1 हो गया, इसका मतलब ये जो सर्किट है, यहाँ से जो पैरेलल सर्किट बना हुआ था उसमें जो L1 था ये क्या बन जाएगा अभी, NO। एनर्जाइज हो गया तो NO, L1 एनर्जाइज तो L1 NC का NO बन जाएगा, और ये जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर K2 ब्रेक होता है तो हमारा V1 स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो ये L1 स्टॉप के लिए है, L2 स्टार्ट के लिए है। तो ये कब तक स्टॉप रहेगा, जब तक के अगेन दोनों एक साथ डी एनर्जाइज नहीं होते। जब तक दोनों एक साथ डी एनर्जाइज नहीं होंगे तब के ये V1 ऑन नहीं होगा। सो दिस इज टैंक कंट्रोल। तो आंखें बंद करके लोअर लेवल को फर्स्ट, हायर लेवल को सेकंड, दोनों एनसी में लगा के एक रिले से उसको लैच करके वो रिले को सोलेनोइड वॉल से कनेक्ट करो, एंड आपका टैंक लेवल कंट्रोल फिनिश, ठीक है। सो दो चीजें सिर्फ याद करना है, स्टार्ट कैसे करना है और ये लेवल कंट्रोल, ठीक है। सो इस तरीके से इसका लैडर डायग्राम बनता है। अगर नहीं समझा एक बार फिर से देखो, नहीं समझता है तो कमेंट करके अपने डाउट्स पूछो। सो अगर आपको वो समझता है तो आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये भी यूनिवर्सिटी का 10 मार्क का क्वेश्चन है। सो होप आप ये पढ़िए, ट्राई टू मेक अ लॉजिक। अगर लैडर बनता है तो प्लीज शेयर कीजिए, और लेट्स चेक विद द सॉल्यूशन इन द अपकमिंग वीडियोस। इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ। तब तक के आई होप कि आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए, सो दैट अंडरस्टैंडिंग और अप्लीकेशन इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो हम लोग अवॉइड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।